नमस्कार साथियों, मैं डॉक्टर एमपी सिंह आप सभी का स्वागत करता हूं। साथियों, आज मेरे एक विद्यार्थी हैं, बहुत दिल के करीब हैं, एडवोकेट राजेश खटाना जी, शिखा जी और सभी लोग बैठे हुए हैं। तो इनका एक प्रश्न था, उसका जवाब मैं दे रहा हूं। किसी बात पर इन्होंने मुझे छेड़ दिया, तो मैं एक बात कहना चाहता हूँ कि वह सबसे पहले अपने दिमाग को सकारात्मक, अपनी सोच को सकारात्मक रखो। यदि गुरु जी कोई पढ़ाने आ रहे हैं और उनको पढ़ाना नहीं आता, तो उनकी बेइज्जती मत करो, बल्कि क्लास से निकलने के बाद में उनका धन्यवाद करो, मैडम आपने बहुत अच्छा पढ़ाया, बहुत समझ में आया। यदि वो अध्यापक समझदार हुआ तो उसे समझ में आ जाएगी कि मैंने तो आज कुछ पढ़ाया नहीं था और इसके बाद भी ये मेरी तारीफ कर रहा है, तो अगले दिन वह अध्यापक तैयारी करके आएगा पढ़ाने के लिए और बेहतर पढ़ाएगा और आप पर उसका विशेष प्यार रहेगा, विशेष आभार रहेगा कि इस बच्चे ने झूठी तारीफ की थी, मुझे एहसास कराया था। जब अध्यापक क्लास के अंदर पढ़ा रहा होता, बहुत लर्निंग होता है, बहुत अच्छे तरीके से पढ़ाता है, और एक बच्चे को अगर क्लास में देखता है कि तो शैतान है, ये पढ़ता नहीं, इससे तो ऐसे ही करता रहता है, और जब क्लास छूटने के बाद वो बच्चा जा करके और वो कहता है गुरुजी धन्यवाद, बहुत अच्छा पढ़ाया, इस कॉलेज में 10 अध्यापक पढ़ाने वाले हैं लेकिन आज तक किसी का समझ नहीं आया और आज जो पढ़ाया आपने बहुत समझ पाया, तो गुरुजी सोचेंगे मैं तो इसको निकम्मा समझ रहा था, ये तो कुछ पढ़ता नहीं है लेकिन आज ये क्या कह रहा है, इसको समझ में आ गया, इसका मतलब है कि मैंने और ज़्यादा मेहनत करके और अच्छा देना है। तो मेरा भाव ये है कि जो मेरी वीडियो को सुन रहे हैं, समझ रहे हैं, यदि कहीं किसी के अंदर दोष देखते हैं या किसी के अंदर कोई कमी नज़र आती है, तो उस कमी को सीधा सीधा उसके मुंह पर ना कहें, बल्कि उसका धन्यवाद करें। धन्यवाद करने के बाद जो आपकी इज्जत उसके दिल और दिमाग में होती है, वह दुनिया से अलग होती है, आपका भी दिन बदल जाता है और उसका भी दिन बदल जाता है। इन सब बातों के साथ उन्हें मैं आपसे निवेदन करता हूँ, कमी निकालने से कोई इंसान कभी बड़ा नहीं होता है, बल्कि दूसरों का सम्मान करने से, दूसरों की इज्जत करने से, दूसरों को तवज्जो देने से, दूसरों का मान सम्मान करने से हमेशा इंसान बड़ा होता है। इसलिए सबसे निवेदन है, माता पिता गुरुओं का सम्मान करो, बहन बेटियों का सम्मान करो और जीव जंतुओं का सम्मान करो, प्रकृति के नज़दीक रहो। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत आभार। यदि अभी तक आपने ये वीडियो शेयर नहीं किया तो शेयर जरूर कर देना, क्योंकि इससे बहुत लोगों का भला होने वाला है। धन्यवाद।